Good morning, dear student. Today you will read chapter 7, The Necklace. And this chapter is written by Guy de Maupassant. Is it clear, children? In this chapter, you will read about the necklace. इस चैप्टर में आप एक नेकलेस के बारे में पढ़ेंगे. And dear children, before starting the explanation of this chapter, I want to tell you that in this chapter, total three main characters are here. Three main leading characters. First is Mr. Lossell, his wife Matilda Lossell, and Matilda's friend Madame Frostier. These are the main character who played a great role in this chapter. जिन्होंने किया है. Let's begin to read this chapter. हम शुरू करते हैं इस chapter को. The summary of this chapter is Matilda's dream of a happy life. Matilda जो है एक बहुत अच्छी जिंदगी के लिए जो है क्या करती है, ड्रीम, सपने देखती है. Matilda Lossell was a pretty married woman. Matilda Lossell जो है was a pretty. Pretty means beautiful. एक बहुत ज्यादा खूबसूरत मैरिड वुमेन, शादीशुदा वुमेन है. She was a woman of high ambitions. और ये एक ऐसी वुमेन है जिसकी बहुत ज्यादा high ambitions means जो बहुत ज्यादा ऊंचा सोचती है. But due to an error of fate, error means mistake, fate means destiny. लेकिन उसकी जो है destiny means हमारी जो किस्मत होती है, किस्मत का जो है कोई एक एरर रहा, दोष रहा, जिसके कारण शी वॉज बॉर्न इन ए फैमिली ऑफ क्लर्क्स. वो जो है क्लर्क्स की फैमिली में बॉर्न हुई थी. शी हैड नो डाउरी नो होप्स. उसके पास डाउरी मीन्स मनी और प्रॉपर्टी गिवन टू ए ब्राइड. ऐसा कोई भी मतलब पैसा या कोई भी प्रॉपर्टी जो कि शादीशुदा लड़की को उसके पेरेंट्स के साइड से दी जाती है, उसको हम डाउरी कहते हैं. तो उसके पास ना तो डाउरी ही थी और ना ही कोई उम्मीद थी. She had no means to become known and loved by rich men. और उसके पास क्या था कि उसको ये भी नहीं पता था, उसको वो ये जानती थी कि उसको बहुत सारे लोग जो है अच्छे से जानते भी नहीं है, एंड लव्ड बाय रिच मैन, और बहुत ज्यादा अमीर जो बहुत पैसे वाले लोग हैं उनके द्वारा उसको प्यार भी नहीं किया जाएगा. क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि वो एक बहुत सिंपल फैमिली में बॉर्न हुई थी, पैदा हुई थी. Then she married a poor clerk in the office of the board of education. उसके बाद क्या होता है, क्योंकि वो रिच फैमिली को बिलोंग नहीं करती थी, इसलिए उसकी शादी भी, मैरिज भी जो है वो किसी बहुत रिच फैमिली में नहीं हुई. उसकी शादी किससे होती है? एक पुअर क्लर्क से, गरीब क्लर्क से होती है, जो कहाँ ऑफिस, कहाँ वर्क करता है, ऑफिस में, बोर्ड ऑफ एजुकेशन के. She believed that she was born to enjoy a life of luxury. लेकिन वो ये मानती थी, विश्वास करती थी कि वो जो है पैदा हुई है किस लिए, एक लग्जरियस, बहुत ही ज्यादा मीन्स सारे की सारे ऐशो आराम से फुलफिल जो लाइफ होती है उसको जीने के लिए. देयरफॉर व्हेन शी सॉ द डर्टी वॉल्स ऑफ हर हाउस एंड पुअर फर्नीचर इन द रूम्स. लेकिन जब कभी भी वो अपने घर की गंदी दीवारों को देखती एंड पुअर फर्नीचर इन द रूम्स, पुराने रखे फर्नीचर को देखती अपने कमरे में, शी सफर्ड अलॉट. वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती थी. शी ड्रीम्ड ऑफ एलिगेंट डिनर्स. एलिगेंट मीन्स नाइस. और वो क्या सपने देखती थी कि वो बहुत अच्छा खाना खाएगी, फाइन क्रॉकरीज, बहुत अच्छे बर्तनों में खाएगी, एंड डिलीशियस डिशेस, और बहुत अच्छी स्वादिष्ट जो है डिशेस खाएगी. ऑफन व्हेन शी रिटर्न्ड फ्रॉम द हाउस ऑफ हर रिच फ्रेंड मैडम फ्रॉस्टियर शी वॉज इन डेस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट. और जब कभी भी वो अपनी बहुत अमीर फ्रेंड मैडम फ्रॉस्टियर के घर से वापस आती थी तो वो बहुत ज्यादा जो है निराशाजनक और बहुत ज्यादा दुखी हो जाती थी. इन्विटेशन टू मिनिस्टर्स पार्टी. अब क्या होता है, उन्हें मिनिस्टर की पार्टी में इन्विटेशन मिलता है. वन इवनिंग, एक दिन शाम में, मैटिल्डाज हस्बैंड रिटर्न होम. मैटिल्डा के हस्बैंड जो हैं वो घर वापस आते हैं. ही लुक्ड हैप्पी एंड एक्साइटेड. वो बहुत ज्यादा खुश और बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे थे. ही हैड गॉट एन इन्विटेशन टू द पार्टी एट द मिनिस्टर्स रेसिडेंस. उनको क्या हुआ था, मिनिस्टर के रेसिडेंट पर, उनके घर पर एक बहुत बड़ी पार्टी थी जिसका इनविटेशन मैटिल्डा के हस्बैंड को भी मिला था. हर हस्बैंड टोल्ड हर दैट ओनली सेलेक्टेड पीपल वर इनवाइटेड टू सच अ पार्टी. और उसके हस्बैंड जो है वो मैटिल्डा को बताते हैं कि बहुत ही सेलेक्टेड मीन्स कुछ ही गिने चुने लोग इस पार्टी में इन्वाइट किए गए हैं. बट मैटिल्डा वॉज स्टिल हैप्पी. लेकिन मैटिल्डा जो होती है वो ये सुनकर के खुश नहीं होती है. शी टोल्ड हिम दैट शी डिडंट हैव ए गुड ड्रेस टू वियर एट द पार्टी. वो अपने हस्बैंड से कहती है कि उस अच्छी पार्टी में पहनने के लिए मैटिल्डा के पास कोई भी अच्छे कपड़े नहीं है, कोई भी अच्छी ड्रेस नहीं है. अ न्यू ड्रेस इज बॉट फॉर द पार्टी.
पार्टी के लिए एक नई ड्रेस को खरीदना. मिस्टर लॉसर टोल्ड मैटिल्डा दैट शी कुड हैव ए न्यू ड्रेस फॉर द पार्टी. अब मिस्टर लॉसर जो है वो मैटिल्डा से कहते हैं कि वो पार्टी के लिए एक नई ड्रेस खरीद सकती है. ही हैड सेव्ड 400 फ्रेंड्स टू बाय ए गन. मिस्टर लॉसर जो है उन्होंने एक गन खरीदने के लिए 400 फ्रेंड्स जो है वो सेव करके रखे थे. शी कुड बाय ए गुड ड्रेस विद दिस अमाउंट. और वो कहते हैं कि ये जो अमाउंट मैंने कलेक्ट किया था इससे वो पार्टी में जाने के लिए एक बहुत अच्छी ड्रेस खरीद सकती है. मैटिल्डा स्टिल अनहैप्पी. मैटिल्डा जो है अब भी खुश नहीं है. मैटिल्डा बॉट ए नाइस ड्रेस विद द मनी हर हस्बैंड गेव हर. अब मैटिल्डा क्या करती है, उसके हस्बैंड ने मिस्टर लॉसर ने उसको जो अमाउंट दिया था 400 फ्रेंड्स, उन पैसों से बहुत ही खूबसूरत ड्रेस खरीद करके लाती है. स्टिल शी वॉज अनहैप्पी. फिर भी वो खुश नहीं थी. When her husband asked her the reason, और जब उसके husband जो हैं उससे इसका कारण पूछते हैं, she said that वो कहती है कि she didn't have jewelry to match the dress. अब उसके पास ड्रेस से मैच करती हुई ज्वेलरी नहीं थी. She was afraid that she would have a poverty-stricken look at the party. अब वो बहुत ज्यादा डर गई थी. वो सोचती है कि उस पार्टी में अगर वो विदाउट मैचिंग ज्वेलरी के वहां जाएगी तो ऐसा लगेगा कि वो poverty-stricken means गरीबी से मारी हुई, means उसके पास कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ दिखावा करने के लिए वहां पर आई है, ऐसी बेचारी सी दिखेगी. She would therefore prefer not to go to the party. और उसके बाद वो कहती है कि वो उस पार्टी में नहीं जाएगी. Her husband suggested that she would wear some natural clothes. अब मैटिल्डा के हस्बैंड उसको जो है वो सजेस्ट करते हैं कि उसको कुछ नेचुरल फ्लावर्स जो है वो पहन लेने चाहिए ऑर्नामेंट्स की जगह. बट मैटिल्डा रिप्लाइड दैट शी वुड लुक शैबी अमंग द रिच वुमेन. लेकिन मैटिल्डा कहती है कि इतनी जो है रिच पार्टी में, इतने रिच वुमेन के बीच में जाकर के वो शैबी मींस डर्टी, वो बहुत ज्यादा गंदी लगेगी अगर वो नेचुरल फ्लावर्स की ज्वेलरी जो है वो पहनेगी. मिस्टर लॉसर सजेस्ट ए पॉसिबल सॉल्यूशन. तभी मिस्टर लॉसर जो है उसको एक पॉसिबल मींस जैसा कि हो सकता हो ऐसा सजेशन उसको देते हैं. मिस्टर लॉसर सडनली थॉट ऑफ ए गुड सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम. तभी मिस्टर लॉसर को अचानक से उस प्रॉब्लम का एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन जो है वो समझ में आता है. ही सजेस्टेड टू मैटिल्डा. वो मैटिल्डा को सजेस्ट करते हैं दैट शी शुड बोरो सम ज्वेलरी फ्रॉम हर रिच फ्रेंड मैडम क्रॉसडियर. अब मिस्टर लॉसर जो है वो मैटिल्डा से कहते हैं कि मैटिल्डा को अपनी रिच फ्रेंड मैडम फ्रॉस्टियर के पास जाना चाहिए और उनसे कोई खूबसूरत सी ज्वेलरी अपने ड्रेस के मैच की ले लेनी चाहिए. देयरफॉर मैटिल्डा विजिटेड हर फ्रेंड नेक्स्ट डे एंड टोल्ड हर अबाउट हर प्रॉब्लम. उसके बाद नेक्स्ट डे मैटिल्डा जो है वो मैडम फ्रॉस्टियर के यहाँ जाती है और अपनी प्रॉब्लम उनको बताती है. मैडम फ्रॉस्टियर इमीडिएटली ब्रॉट हर ज्वेल केस एंड आस्क्ड मैटिल्डा टू मेक हर चॉइस. अब क्या करती है मैडम फ्रॉस्टियर जो है वो तुरंत से उठ करके जाती हैं और अपनी ज्वेलरी का जो बॉक्स होता है, ज्वेलरी केस मींस जो ज्वेलरी बॉक्स होता है, उसको उठाकर ले आती हैं और उसको मैटिल्डा के सामने खोलकर कहती हैं कि तुम इसमें से कोई भी जो तुम्हें पसंद हो वो इसमें से चूज कर लो. मैटिल्डा ट्राइड वेरियस पीसेज ऑफ ज्वेलरी. मैटिल्डा जो है उन सारी ज्वेलरी में से बहुत सारे पीस निकाल करके ट्राई करती है बट अल्टीमेटली डिसाइडेड ऑन ए डायमंड नेकलेस. और लास्ट में वो क्या करती है, एक डायमंड नेकलेस होता है जिसको कि वो चूज करती है अपने ड्रेस के साथ पहनने के लिए. मैटिल्डा एट द पार्टी. अब मैटिल्डा जो है वो ले आई है नेकलेस वहां से, डायमंड नेकलेस, और उसको पहन करके पार्टी वाले दिन तैयार होती है और पार्टी में जाती है. द डे ऑफ द बॉल पार्टी अराइव्ड. अब क्या होता है, जो बॉल पार्टी होती है उसका दिन आ जाता है. मैडम लॉसर वॉज ए ग्रेट सक्सेस. मैडम लॉसर जो है उनको एक ग्रेट सक्सेस जो है उनको अचीव किया था उन्होंने. शी वॉज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. मीन्स कैसे किया था कि वो जिस तरीके से ड्रेसअप होकर अच्छी सी ज्वेलरी पहनकर आई थी, वो बहुत सुंदर लग रही थी, और उस पार्टी में जब वो जाती है मैटिल्डा तो वो सबके जो है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाती है. मीन्स जितने भी लोग वहां पार्टी में होते हैं वो सारे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से मैटिल्डा को देखते हैं. शी वॉज बींग एडमायर्ड बाई एवरी वन. और सबके द्वारा उसकी बहुत ज्यादा जो है वो प्रेज की जाती है, उसकी बहुत प्रशंसा की जाती है. शी डांस्ड विद ग्रेट जस्ट. अब वो क्या करती है, बहुत ही ज्यादा खुशी में होकर के डांस करती है. हर विक्ट्री वॉज कम्प्लीट. उसकी जो विक्ट्री थी वो पूरी तरीके से कम्प्लीट हो गई. मीन्स वो चाहती थी कि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने उस पार्टी में, तो ऐसा वो जो है वहां पर रिप्रेजेंट करती है. लोग उसको बहुत अट्रैक्शन के साथ में देखते हैं, सब उसको बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं, तो उसका जो विक्ट्री थी वो कम्प्लीट हो जाती है. शी वॉज मैड विद प्लेजर एंड एक्साइटमेंट. वो जो है बहुत खुशी के मारे एक्साइटमेंट की वजह से पूरी तरीके से पागल हो गई थी. द पार्टी वॉज ओवर एट 4 o'clock एंड इट वॉज टाइम टू रिटर्न होम. सुबह 4 बजे जो है पार्टी खत्म होती है और ये टाइम था जब उनको अपने घर वापस जाना था.
हर हस्बैंड हैड बीन हाफ अस्लीप सिंस मिडनाइट, और आधी रात तक उसके हस्बैंड जो थे वो लगभग आधा सो चुके थे. ही थ्रू अराउंड हर शोल्डर्स द मॉडेस्ट ड्रेस. अब क्या करते हैं वो, ही थ्रू अराउंड हर शोल्डर्स, मिस्टर लॉसल जो हैं वो मैटिल्डा के शोल्डर को उसने जो शॉल ले रखा था उससे पूरी तरीके से कवर कर देते हैं. दे केम आउट इन अ हरी, वो बहुत जल्दी में जहां पार्टी थी उस जगह से बाहर आते हैं. वॉकड सम डिस्टेंस, थोड़ी दूर चलते हैं. एंड देन हायर्ड एन ओल्ड कैरेज एंड रीच देयर अपार्टमेंट इन द अर्ली मॉर्निंग. और क्या करते हैं, थोड़ी दूर चलने के बाद में वो एक पुराना सा कैरेज, मीन्स यू कैन से कैब और अ कार, उसको जो है वो हायर करते हैं, किराए पर लेते हैं, और उसमें बैठ करके वो अर्ली मॉर्निंग अपने अपार्टमेंट मीन्स रूम, अपने रूम पर पहुंचते हैं. नेकलेस लॉस्ट, नेकलेस का हो जाना. एट होम, घर में मैटिल्डा स्टूड बिफोर ए मिरर टू हैव ए लास्ट लुक एट हर ग्लोरी. मैटिल्डा जो है अपनी ड्रेस चेंज करने से पहले एक बार मिरर के सामने खड़ी होती है अपनी खूबसूरती को देखने के लिए. सडनली शी गेव आउट ए क्राई ऑफ हॉरर, अचानक से वो एकदम डर की वजह से चिल्ला पड़ती है. हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, जो नेकलेस उसने अपने गले में पहना था अब इस समय वो नेकलेस उसके गले में नहीं था. सर्च फॉर द नेकलेस, अब नेकलेस को ढूंढा जाना. मैटिल्डा टोल्ड हर हस्बैंड दैट शी हैड लॉस्ट हर नेकलेस. मैटिल्डा अपने हस्बैंड को बताती है कि उससे वो नेकलेस खो चुका था. ही वॉज ऑल्सो शॉक्ड, वो भी पूरी तरीके से शॉक्ड हो गया था, आश्चर्यचकित हो गया था. टुगेदर दे बिगैन ए सर्च फॉर द लॉस्ट नेकलेस, और एक साथ मिलकर के दोनों जो हैं उस खो गए लॉस्ट नेकलेस को ढूंढना शुरू करते हैं. दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, जो ड्रेस के फोल्ड्स हैं वो दोनों मिलकर के उन फोल्ड्स में भी उस नेकलेस को ढूंढते हैं. इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लोक इन द पॉकेट्स, मींस जो ऊपर से जो गाउन टाइप का पहना है उसकी जो पॉकेट्स हैं वो उसकी पॉकेट्स में भी, उसके फोल्ड्स में भी उसको पूरी तरीके से ढूंढते हैं. बट इट वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिला. मिस्टर लॉसल आस्क्ड हर इफ शी हैड इट अराउंड हर नेक व्हेन दे लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस. अब मिस्टर लॉसल जो है वो मैटिल्डा से पूछते हैं कि जब मिनिस्टर के घर से वो लोग निकल करके आ रहे थे तो क्या वो उसके गले में था. शी रिप्लाइड इन द एफर्मेटिव, वो हाँ में उत्तर देती है. देन ही सजेस्टेड दैट इट मस्ट हैव फॉलन समवेयर इन द कैरेज. तब वो कहते हैं कि मिस्टर लॉसल जो है वो मैटिल्डा से कहते हैं कि तब ये बात बिल्कुल सही है कि जो कैरेज, जो कैब उन्होंने हायर की थी, पक्के तौर पर वो उसमें ही कहीं पर गिर गया. मिस्टर लॉसल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अप एंड वेंट टू द पुलिस एंड टू द कैब ऑफिस. अब क्या करते हैं, मिस्टर लॉसल जो है जल्दी से दोबारा से कपड़े पहनते हैं और जाते हैं कहाँ, पुलिस ऑफिस में कंप्लेंट लिखाने. और उसके साथ साथ जो कैब का ऑफिस होता है, मींस जो गाड़ियों का ऑफिस होता है जहां पर पूरी एंट्रीज होती हैं कि कैब किस रोड पर कौन सी चलती है, उसके ऑफिस पहुंचते हैं. ही पुट एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर ऑफरिंग ए रिवॉर्ड, और वो एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट भी पब्लिश कराते हैं और उसमें निकलवाते हैं कि जो भी उस नेकलेस को ढूंढकर वापस करेगा उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा. प्लेसमेंट ऑफ द नेकलेस बाय अ न्यू वन, अब क्या होता है, रिप्लेसमेंट, जो पुराना नेकलेस था जो खो गया था उसकी जगह नए नेकलेस को रिप्लेस करना. When all their efforts to trace the lost necklace failed, वो जितने भी efforts करते हैं उस necklace को ढूंढने के, जब वो पूरी तरह fail हो जाते हैं, losses were disheartened. अब तब क्या होता है, दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं. Mr. Lawson suggested that she should write to her friend that the necklace had been repaired and they needed some time to return it. अब Mr. Lawson जो है वो अपनी wife को suggest करते हैं कि वो अपनी friend को एक letter लिखे और उसमें कहे कि उनका नेकलेस जो है वो उन्होंने रिपेयर करने के लिए दिया, मीन्स थोड़ा सा टूट गया था उसको रिपेयर करने के लिए दिया है, तो उसको वापस लेने तक रिपेयर के लिए उन्हें कुछ समय चाहिए और उसके बाद में वो उस नेकलेस को रिटर्न कर देगी. मैटिल्डा डिड व्हाट शी वाज टोल्ड बाय हर हस्बैंड, और मैटिल्डा ठीक वही करती है जैसा कि उसके हस्बैंड ने उससे करने के लिए कहा था. द नेकलेस हैड टू बी रिप्लेस्ड बाय अनदर वन, अब वो जो लॉस्ट नेकलेस था वो दूसरे नेकलेस से रिप्लेस कर दिया जाता है. दे सर्च इन द मार्केट फॉर अ सिमिलर नेकलेस, वो मार्केट में जाते हैं दोनों लोग मिलकर के और ठीक वैसा ही नेकलेस जो है वो सर्च करते हैं, ढूंढते हैं. एट लास्ट दे फाउंड वन इन ए शॉप एट द प्लेसेस रॉयल, अब क्या करते हैं, लास्ट में वो उस नेकलेस को एक शॉप पर मिल जाता है उनको. इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फेंसेस, लेकिन उस नेकलेस की वैल्यू, क्योंकि वो ओरिजिनल डायमंड का था तो उसकी वैल्यू कितनी थी, 40,000 फ्रेंसिस थी. आफ्टर सम बार्गेनिंग दे गॉट इट फॉर 36,000 फ्रेंसिस, और थोड़ी सी बार्गेनिंग करने के बाद, मीन्स जो शॉपकीपर था उससे थोड़ा सा बहस करने के बाद में वो उसको 36,000 फ्रेंसिस में देने के लिए तैयार हो जाता है, उन्होंने इतने में उसको ले लिया. मिस्टर लॉसल हैड 18,000 फ्रेंसिस इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर,
मिस्टर लॉसेस क्या करते हैं, उनको 18,000 जो थे उनके फादर से मिल गए. ही बोरोड द रेस्ट फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑन अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. अब उन्होंने क्या किया, जो बचा हुआ अमाउंट था वो उन्होंने दूसरे सोर्सेज से मीन्स इंटरेस्ट पर जो था उन्होंने दूसरे जगहों से इकट्ठा किया. एट लास्ट द नेकलेस वॉज बॉट एंड रिटर्न टू मैडम फ्रॉस्टियर. और लास्ट में उस नेकलेस को उन्होंने परचेज कर लिया और मैडम फ्रॉस्टियर को उन्होंने वापस कर दिया. मैडम फ्रॉस्टियर पुट अवे द नेकलेस विदाउट नोटिसिंग द चेंज. मैडम फ्रॉस्टियर जो है उस नेकलेस को लेती है और उसको रख लेती है और ये बिल्कुल भी नहीं देखती, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती कि नेकलेस जो है उनका चेंज होकर के मीन्स बदल दिया गया है, रिप्लेस हो गया है. लाइफ ऑफ पॉवर्टी फॉर द लॉसेस. अब क्या होता है लॉसेस के लिए, मीन्स मैडम मिस्टर एंड मिसेस लॉसेस की लाइफ जो है वो कैसी हो जाती है, पॉवर्टी फॉर, पूरी तरीके से गरीब हो जाते हैं वो. नाउ अ हॉरिबल लाइफ ऑफ पॉवर्टी बिगेन फॉर द लॉसेस. मीन्स अब क्या होता है, जो मिस्टर एंड मिसेस लॉसेस हैं उनके लिए अब एक पॉवर्टी भरी लाइफ जो है वो कैसी हो जाती है, हॉरिबल हो जाती है, और भी ज्यादा बद से बदतर हो जाती है. मैटिल्डा सेंट अवे द मेड. मैटिल्डा जो है अपने मेड को हटा देती है. दे शिफ्टेड टू चीपर लॉजिंग्स. अब वो ऐसी जगह शिफ्ट हो जाते हैं जिनका किराया बहुत कम होता है. मैटिल्डा हरसेल्फ वॉश द डिशेज. अब मैटिल्डा घर का सारा काम खुद ही करती है. शी ब्रॉट अप द वॉटर हरसेल्फ. मैटिल्डा क्या करती है, घर के सारे बर्तन खुद धोती है, पानी को खुद लेकर आती है. शी हैगल्ड ओवर द प्राइजेस लाइक ए पुअर वुमेन. और वो क्या करती है, एक गरीब औरत की तरह छोटे छोटे से मीन्स थोड़े थोड़े पैसों के लिए लोगों से क्या करती है, बार्गेनिंग करती है, थोड़े थोड़े से छोटे छोटे पैसे बचाती है. हर हस्बैंड वर्क डे एंड नाइट. अब उसके हस्बैंड को क्या करना पड़ता है, दिन और रात 24 घंटे काम करना पड़ता है. दे फेस्ड अ टफ टाइम एंड इट कॉन्टिन्यूड फॉर 10 लॉन्ग ईयर्स. और इस दौरान उन्होंने बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम किया, बहुत बुरे दिन बिताए और ये लगभग 10 ईयर्स तक, 10 सालों तक लगभग कॉन्टिन्यू किया उन्होंने अपने इस लाइफ स्टाइल को. मैटिल्डा लॉसेल कंप्लीटली चेंज्ड. मैटिल्डा लॉसेल जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुकी थी, बदल गई थी. मैटिल्डा लॉसेल नाउ लुक्ड ओल्ड. घर के सारे काम करके फ्रस्ट्रेशन में जीकर बहुत पुअर वुमेन की तरह जीते हुए सर्वाइव करते हुए मैटिल्डा लॉसेल जो थी वो अब पूरी तरीके से बूढ़ी दिखने लगी थी. शी लुक्ड लाइक ए हार्ड एंड क्रूड वुमेन ऑफ ए पुअर फैमिली. वो ऐसी दिखने लगी थी जैसे पुअर फैमिलीज, जो गरीब परिवार होते हैं उनमें काम के बोझ से दबी हुई जैसे कि वुमेन सो जाती हैं, अब वो बिल्कुल वैसी दिखने लगी थी. शी वॉश्ड द फ्लोर्स विद लार्ज पेल्स ऑफ वाटर. और वो क्या करती थी, अब फ्लोर्स को जो है वो बहुत सारे पानी से धोया करती थी. समटाइम्स शी वुड थिंक अबाउट द ग्लोरियस इवनिंग ऑफ द पार्टी वेयर शी लुक्ड सो ब्यूटीफुल. कुछ समय पहले तक क्या था, वो क्या सोचा करती थी कि वो इवनिंग में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखेगी और इवनिंग पार्टीज करेगी और बहुत मजे करेगी. शी वंडर्ड एट द स्ट्रेंजर्स ऑफ लाइफ एंड द सडन टर्न्स ऑफ फेट. अब क्या होता है, जब तक वो क्या करती थी, शी वंडर्ड एट द स्ट्रेंजर्स ऑफ लाइफ. अब क्या करती है, वो जो उसकी लाइफ में अचानक से जो फेट, जो डेस्टिनी की वजह से जो चेंजेस आए उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड होती है और वो पूरी तरीके से एस्ट्रोलॉजिस्ट है. मीटिंग विद मैडम फ्रॉस्टियर. मैडम फ्रॉस्टियर से मिलना. वन संडे, एक संडे में एज शी वॉज टेकिंग ए वॉक इन द पार्क. वो पार्क में घूम रही थी. शी सडनली केम अक्रॉस हर ओल्ड फ्रेंड. वो अचानक से अपनी बहुत पुरानी फ्रेंड के पास आ जाती है. मैडम फ्रॉस्टियर स्टिल लुक्ड यंग एंड प्रिटी. मैडम फ्रॉस्टियर जो है वो अब भी उतनी ही यंग और प्रिटी मींस ब्यूटीफुल दिख रही थी. एट फर्स्ट मैम फ्रॉस्टियर फेल्ड टू रिकॉग्नाइज हर सिंस शी हैड चेंज्ड सो मच इन द लास्ट 10 ईयर्स. पहले क्या होता है, मैडम फ्रॉस्टियर एकदम से मैटिल्डा को नहीं पहचान पाती. क्यों, क्योंकि वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस मीन्स 10 ईयर्स के डिस्टेंस के बाद में मिली थी. बट देन मैटिल्डा रिमाइंडेड हर. लेकिन जब मैटिल्डा उनको याद दिलाती है, रिमाइंडेड मीन्स रिमेम्बर मीन्स उनको याद दिलाती है, शी वॉज एट एस्ट्रोनिस्ट एट द चेंज इन मैटिल्डास लुक्स. तो मैडम फ्रॉस्टियर जो है वो मैटिल्डा में आए हुए चेंज को देख करके पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है, एस्ट्रोनिस्ट हो जाती है, आश्चर्यचकित रह जाती है. मैटिल्डा कमेंटेड दैट ऑल दिस चेंज वॉज बिकॉज ऑफ हर. तब मैटिल्डा उनको बताती है कि ये सारा कुछ चेंज जो उसमें आया है वो सिर्फ उसकी वजह से, किसके, मैडम फ्रॉस्टियर की वजह से आया है. शी टोल्ड फ्रॉस्टियर एवरीथिंग दैट हैड हैपेंड. उसके बाद मैटिल्डा जो है उसके साथ पिछले 10 ईयर्स में जो कुछ भी हुआ वो सारा कुछ मैडम फ्रॉस्टियर को बताती है. हियरिंग हर सैड टेल ऑफ सफरिंग मैडम फ्रॉस्टियर एक्सप्लेन्ड. उसकी उस सैड स्टोरी को सुनने के बाद, जैसा कि मैटिल्डा ने वियर किया था, इतनी परेशानियां उसने बर्दाश्त की थी, मैडम फ्रॉस्टियर जो है उससे कहती है, ओ माई पुअर मैटिल्डा, मुझे तुम्हारे लिए बहुत खेद है मैटिल्डा,
माइंड वर फॉल्स. अब मैडम फ्रॉस्टियर जो है वो मैटिल्डा को रियलिटी बताती हैं कि जो डायमंड नेकलेस मैटिल्डा मैडम फ्रॉस्टियर से लेकर के गई थी वो फॉल्स, फॉल्स मीन्स नॉट रियल, ओरिजिनल डायमंड्स का नहीं था, वो कैसा था, आर्टिफिशियल डायमंड्स का था. हर डायमंड नेकलेस वॉज हार्डली वर्थ 500 फ्रेंसेस. और वो उसको बताती हैं कि जो डायमंड नेकलेस मैडम फ्रॉस्टियर ने मैटिल्डा को दिया था वो ज्यादा से ज्यादा कितनी वर्थ का था, कितनी जो है कॉस्ट थी, प्राइस कितना था उसका, 500 फ्रेंसेस, ज्यादा से ज्यादा 500 फ्रेंसेस का था. सो माय डियर चिल्ड्रन, दिस वाज द समरी ऑफ दिस चैप्टर. आई होप यू विल अंडरस्टैंड, आपको ये समरी समझ आई होगी.